नमस्कार प्यारे साथियों, एक बार फिर से मैं आप सभी का स्वागत करना चाहूँगा हमारे YouTube चैनल एजुकेशन न्यूज़ ओनली के माध्यम से। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से बात किया जाएगा रीट वैकेंसी 2023 के रिलेटेड टॉपिक पे, जिसके अंदर हम लेवल 2 के हिंदी के रिजल्ट को लेकर बात करेंगे और आपका 100% चयन होगा अगर इतने मार्क्स आपके बन रहे हैं। क्योंकि अगर 2 गुणा के लिस्ट में आपको शामिल होना है रिजल्ट के बाद में, तो इतने तो नंबर आपके होने ही चाहिए। बिल्कुल हिंदी विषय की जो है कट ऑफ पर चर्चा की जाएगी, रिजल्ट की डेट को लेकर बात करेंगे। तो आज 4 जून के बड़े एनालिसिस को लेकर बात करेंगे। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप पहली बार इस चैनल के माध्यम से विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़िए, ताकि हर प्रकार की जो अपडेट है रीट के रिलेटेड आपको टाइम पर मिल सके। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, हमने जो कट ऑफ बनाने का आधार रखा है उसके अंदर हमने प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ है उस पर ध्यान दिया है, अटेंडेंस पर ध्यान दिया है, एग्जाम के लेवल पर ध्यान दिया है, बच्चों के कमेंट्स को भी पढ़ा हमने यहाँ पर। कुछ बच्चों ने यहाँ पर पोल में भाग लिया था, उनके कमेंट्स को भी यहाँ पर लिया है। टीचर और एक्सपर्ट की यहाँ पर थोड़ी राय ली है, उनके आंकड़े भी यहाँ पर इंक्लूड किए हैं, और स्टूडेंट्स का जो फीडबैक रहा है उसको भी यहाँ पर नोटिस किया है। तो ऐसे तमाम प्रकार के जो फैक्टर थे जिनका इस्तेमाल करके हम कट ऑफ बना सकते थे, और बिल्कुल हमने जो एक मैक्सिमम स्कोर तैयार किया है। क्योंकि कट ऑफ बनाते हैं तो हमेशा हमारे चैनल के माध्यम से आपको एक मैक्सिमम स्कोर बताया जाता है, अगर आप उसको क्वालिफाई करते हैं तो आपको कन्फर्म ही जो है डीवी के लिए कॉल होती है। तो 2 गुणा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर बात की जाए यूआर कैटेगरी यानी जनरल के बारे में, तो अगर आप जनरल के बारे में हैं और अगर जनरल के अंदर आपके 220 मार्क्स बन रहे हैं तो कन्फर्म ही आपका डीवी के लिए होने वाला है, 2 गुणा के लिस्ट में आपका नाम आने वाला है। उसके बाद अगर आप ओबीसी की बात करें तो ओबीसी के अंदर 214 मार्क्स होने चाहिए आपके। ईडब्ल्यूएस में बात करें तो 205 मार्क्स होने चाहिए, और एमबीसी में कम से कम 203 मार्क्स होने चाहिए। उसके बाद एससी के अंदर 200 मार्क्स और एसटी के अंदर 185 मार्क्स होने चाहिए। अगर ये मार्क्स आप क्वालिफाई कर रहे हैं अपनी अपनी कैटेगरी के हिसाब से, तो 2 गुणा के अंदर आपको कोई रोकेगा नहीं, डीवी के लिए आपको कॉल होने वाली है। उसके बाद अगर रिजल्ट के अपडेट को लेकर बात करूँ दोस्तों, तो रिजल्ट आपका जो है दोस्तों इसी सप्ताह के अंदर आएगा। ऐसा माना जा रहा है कि अगले सोमवार तक जो है रिजल्ट जारी होगा, अगले सोमवार तक, ठीक है ना। हालांकि एसएसटी का रिजल्ट आ चुका तो बच्चे इंतजार नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन थोड़ा वेट कीजिए, कन्फर्म ही आपका सिलेक्शन होगा, इस बात की गारंटी है। धन्यवाद।